हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सेपरेट स्टडी में। तो आइए आज इस वीडियो में हम जो 10th क्लास का एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स है उसका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो में हल करने वाले हैं। जो पीछे क्वेश्चन बचते हैं वो और एक्सरसाइज 5.1 हमारी प्ले लिस्ट में आपके लिए उपलब्ध हैं, उनको आप देख सकते हैं यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है। तो अब चलते हैं 6th क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें देखा क्वेश्चन में चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी, ये टर्म देर की है एपीज की, और ये पूछ रहा है कि 150 क्या इस एपी की टर्म है या नहीं। तो यस या नो में आंसर देना आपने, वो किस तरह फाइंड करेंगे तो चलो शुरू करते हैं। चलो तो लेट एनथ टर्म इज इक्वल टू -150। तो हमने क्या कर लिया, ये nth टर्म या nवीं टर्म है, इसको nवां पद भी बोलते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट। तो इसको निकालते हैं क्या ये हमारा कंप्लीट उसमें आता है, फैक्टर में आता है। तो ये कंप्लीट आता है तो हमारा n का मान या n का मान, तो हमारा आंसर होगा यस। ये कंप्लीट नहीं आता, फ्रैक्शन में आता है तो हमारा आंसर होगा नो। तो इसको चलो फाइंड करते हैं। दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर कर दो इस चैनल को, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। इस चैनल पर कंप्लीट एग्जाम और साथ में सभी क्लास के मैथमेटिक्स की वीडियो आपको मिलने वाली है, एनसीईआरटी के सोल्ड मैथमेटिक्स की वीडियो। तो शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 5.2 है हमारी। तो देखते हैं एन हमने लेट कर लिया है, ये तो एन का फॉर्मूला खोलते हैं हम, तो आता हमारे सामने ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये आप सभी जानते होंगे, आपके मैथमेटिक्स में भी दे रखा है ये -150। तब देखते हैं ए का मान यहां पर पुट करते हैं, होता है ए का मान देगा यहां पर 11, ये होता हमारा ए, ये होता है ए टू, इसको ए वन भी नाम दे सकते हैं आपकी मर्जी है, ये होता है ए थ्री, ये होता है ए फोर। और अब एन का मान हमें निकालना ही है, जो तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, एन का मान निकालना ही है हमें, तो एन एज इट इज लिख लेते हैं हम, और मल्टीप्लाई में डी, ये होता है कॉमन डिफरेंस, इसको हिंदी वाले स्टूडेंट सर्वांतर बोलते हैं। तो ये होता है हमारा डी, होता है ए टू माइनस ए वन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म निकालते हैं तब भी यही आता है, डी सेम ही आता है। यदि वह ए पी है तो कोई चार टर्म में मान लीजिए ये ए पी में है तो डी हमारा समान आएगा, यदि हम ए फोर माइनस ए थ्री करेंगे, ए थ्री माइनस ए टू या ए टू माइनस ए वन, तो सेम आएगा सभी। तो हम शुरू वाला ही निकाल लेते हैं इससे, 8 माइनस 11, तो 8 माइनस 11, तो माइनस वाली टर्म ज्यादा हो गई तो इस वजह से माइनस में आ गया हमारा ये कॉमन डिफरेंस। तो ये होता है निकल कर हमारे सारे में आएगा 8 माइनस 11, तो -3 इक्वल टू -150। आगे देखते हैं 11, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए ब्रैकेट के अंदर -3n माइनस इसके साथ ही आ गया, और ये माइनस और माइनस ये हो गया हमारा प्लस इक्वल टू -150। आगे देखते हैं 11, ये ब्रैकेट खोलते हैं तो प्लस और माइनस माइनस, और ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस ही होती है, इक्वल टू 150। दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक का बटन जरूर दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे देखते हैं ये जो हमारा 11 है ये प्लस का इस साइड में, और ये भी 3 प्लस का, तो 11 और 3 कितना हो गया हमारा, ऐड करेंगे तो 14 आ गया, कितना आ गया 14 यहां पर प्लस के हैं तो पहली साइड में जाके माइनस के हो जाएंगे, तो -3n इक्वल टू -150 -14 -3n इक्वल टू -164। इनको ऐड कर दिया हमने, माइनस माइनस की आपसे ऐड होती हैं तो ऐड होकर उनके सामने माइनस का निशान आ जाता है। आगे देखते हैं माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया हमने, क्योंकि अपोजिट साइड में इक्वल का निशान बीच में मान लीजिए तो निशान आपसे कैंसिल हो जाते हैं यदि सेम निशान है तो। आगे देखते हैं एन का मान क्या आता है, 164/3। अब देखते हैं क्या ये कंप्लीट गाइड होता है 3 से, तो ये देखिए 3 इससे कैंसिल करते हैं, 3 5 15, तो बच गया 1 और आगे आ गया 4, तो 14 क्या 3 से कंप्लीट डिवाइड होता बताइए मुझे,
तो ये नहीं होता है, नहीं क्यों नहीं होता है, इससे 3 5 15 होता है, 3 5 ना तो 14 होता है, ना 16 होता है, 15 होता है। तो ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया, हमारा यहाँ पर रिमाइंडर बचता है, शेष बचता है। तो जैसे दिस इज नॉट एन टर्म ऑफ दिस एपी, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है हमारा, यहाँ पर 52 पूरा कंप्लीट डिवाइड होगा और 2 रिमाइंडर बचेगा। तो इस जैसे ये नॉट एन पार्ट ऑफ दिस एपी, जो टर्म है हमारी 150, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस एपी, ये इस एपी का एक हिस्सा नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया नो। तो दोस्तों ये था 6 नंबर क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबा दो और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।